पीपी न्यूज 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, पीपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आजमगढ़ जिला पेशी शिक्षा परिषद द्वारा की गई 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए बेरोजगारों अभ्यर्थियों ने आजमगढ़ जिला अधिकारी राजेश कुमार और बीजेपी कार्यालय पर अपना ज्ञापन सौंपकर मदद की गुहार लगाई। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में उन्हें गलत तरीके से बाहर किया गया, जबकि 3 कॉमन नंबर देकर कई फेल विद्यार्थी उत्तीर्ण कर उनके अकेडमी आधार पर नियुक्ति दे दी गई। अभ्यर्थियों ने कहा कि शिक्षा मित्रों के शिक्षक पद पर समायोजन निरस्त होने के बाद प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 2 चरणों में 1,37,000 शिक्षकों की भर्ती की गई। उनमें जब 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थियों को बाहर कर लिया गया, जबकि 3 कॉमन नंबर देकर कई योग्य अभ्यर्थियों को पास होने का मौका भी दे दिया। इसके बाद अकेडमी प्रदर्शन के आधार पर ऐसे तमाम लोगों को नियुक्तियां दी गई, जिसमें विरोध में बीते 149 दिन से लखनऊ में धरना भी किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन 1,37,000 पदों पर 2 क्रमागत भर्तियों में पूरी किया जाए। यहाँ अरविंद मौर्य, संदीप श्रीवास्तव, इरशाद अहमद, चिंतामणि गौतम, शर्मिला कुमारी, योगेंद्र प्रजापति, असर खान अन्य अभ्यर्थियों के द्वारा आजमगढ़ के जिला अधिकारी तथा आजमगढ़ के बीजेपी अध्यक्ष को ज्ञापन आदि सौंपा गया। अभ्यर्थियों की गुहार है कि 1,37,000 सरकार द्वारा पूरा करें और योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिले तथा 149 दिन से चल रहे धरने को खत्म किया जाए। अभ्यर्थियों की मांग है कि जब तक यह सीटें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अनवरत धरना करते रहेंगे। हमें सरकार से निवेदन है कि सरकार हमारी सीटों को 1,37,000 पद भर के पूरा करे। आइए देखिए योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। आपका परिचय? मैं अरविंद मौर्य आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हम लोग आज आए थे डीएम साहब के यहाँ और एक प्रत्यावेदन उनको सौंपा गया। अपना ज्ञापन हम लोग दिए, अपनी बात को बहुत अच्छी तरह तो नहीं रख पाए लेकिन अपनी बात को हम लोग उनको रखे, वो हमारा प्रत्यावेदन अपने साथ लेके गए हैं। और हम लोग यहाँ पे जो मुहिम हम लोगों पर चल रही है एक हफ्ते की, हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे, बीजेपी कार्यालय जाएंगे। हमने डीएम साहब को दे दिया है अपना प्रत्यावेदन और हम सभी और जिलों से के साथियों से कहना चाहते हैं जो जिले में लोग ना प्रत्यावेदन दिए हों वो मुहिम को जारी रखें। राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।